रणजीत सिंह चौटाला ने वोट किया है, यहाँ पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। हिसार में की अगर बात करें तो हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर, और अब जो हैं वो यहाँ से वोट डालने के बाद हिसार के लिए रवाना होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, पूरे परिवार से जानेंगे कि किस तरह का माहौल लग रहा है। चौधरी साहब, किस तरह का माहौल लग रहा है वोट डाल के आए हैं आप? देखिए, चुनाव जीत रहे हैं, 100% बीजेपी जीतेगी और लोगों का मूड है मोदी डालना, दूसरा कोई इश्यू नहीं है, केवल मोदी है। क्या मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास करेंगे? मोदी की गारंटी पे मोदी आशीर्वाद। देखिए, अजय सिंह चौटाला जो है वो आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो परिवार है वो परिवार तो हरदम रहता ही है राजनीतिक रूप से, बेशक ये देखिए दिग्विजय चौटाला भी आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कहेंगे, मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास करेंगे? देखिए, मोदी को वोट तो मोदी को पड़ेगा, सारे वोट मोदी को पड़ रहे हैं। वैसे हार जीत तो चलो अलग अलग कारण है, कौन जीतेगा कौन नहीं, पर मेरा यह मानना है कि तकरीबन बीजेपी स्वीप कर रही है, सब स्टेटों में पहले से ज्यादा मैंडेट आएगा आपके, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उधर भी हम बहुत बढ़ रहे हैं। आपकी इलेक्शन की क्या स्थिति है? मैं बहुत बढ़िया वोटर जीत रहा हूँ, 2 लाख। वहाँ आमने सामने चौटाला परिवार, आप देख सकते हैं कि ये भी एक ऐतिहासिक सीन है कि खुद नैना चौटाला भी यहाँ मौजूद हैं और वो पैर छू करके आशीर्वाद ले रहे हैं, हालांकि दोनों आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये परिवार की खूबसूरती है। वो तो है, हमारा प्यार है, आपस में बच्चे हैं, कोई कहीं वोट डाले सब क्या अपने। तो क्या लगता है कि जिस तरह से 10 सीटें जो हैं, पहले 10 की 10 पे क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, अब की बार क्या रहने वाला? 10 की 10 आपके जीतेंगे और पहले से नंबर ऑफ सीट्स बढ़ के आए। लोगों को जो मुद्दे हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं गौण होते हुए नजर आ रहे हैं या केवल मोदी चेहरा देख रहे हैं? नहीं, हम पे मुद्दे, उन पे मुद्दे ही नहीं है, विपक्ष के कुछ है नहीं, उनका मुद्दा केवल एक था, मोदी आ रहे हैं, जनता मोदी जिताना चाह रही है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है कि आप भी पूरे लगातार प्रचार में लगी हुई है? हमारे 10 की 10 सीटें हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें, अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया। तो जीत हासिल होगी अब की बार? हाँ, जीत हासिल। नैना चौटाला को भी आपने आशीर्वाद दिया है? आशीर्वाद बच्चे हैं हमारे, तो आशीर्वाद बच्चों को देते ही हैं। वोट डाल के आए हैं आप? देखिए, चुनाव जीत रहे हैं, 100% बीजेपी जीतेगी और लोगों का मूड है मोदी डालना, दूसरा कोई इश्यू नहीं है, केवल मोदी है। क्या मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास करेंगे? मोदी की गारंटी पे मोदी आशीर्वाद। देखिए, अजय सिंह चौटाला जो है वो आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो परिवार है वो परिवार तो हरदम रहता ही है राजनीतिक रूप से, बेशक ये देखिए दिग्विजय चौटाला भी आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कहेंगे, मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास करेंगे? देखिए, मोदी को वोट तो मोदी को पड़ेगा, सारे वोट मोदी को पड़ रहे हैं। वैसे हार जीत तो चलो अलग अलग कारण है, कौन जीतेगा कौन नहीं, पर मेरा यह मानना है कि तकरीबन बीजेपी स्वीप कर रही है, सब स्टेटों में पहले से ज्यादा मैंडेट आएगा आपके, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उधर भी हम बहुत बढ़ रहे हैं। आपकी इलेक्शन की क्या स्थिति है? मैं बहुत बढ़िया वोटर जीत रहा हूँ, 2 लाख। वहाँ आमने सामने चौटाला परिवार, आप देख सकते हैं कि ये भी एक ऐतिहासिक सीन है कि खुद नैना चौटाला भी यहाँ मौजूद हैं और वो पैर छू करके आशीर्वाद ले रहे हैं, हालांकि दोनों आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये परिवार की खूबसूरती है। वो तो है, हमारा प्यार है, आपस में बच्चे हैं, कोई कहीं वोट डाले सब क्या अपने। तो क्या लगता है कि जिस तरह से 10 सीटें जो हैं, पहले 10 की 10 पे क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, अब की बार क्या रहने वाला? 10 की 10 आपके जीतेंगे और पहले से नंबर ऑफ सीट्स बढ़ के आए। लोगों को जो मुद्दे हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं गौण होते हुए नजर आ रहे हैं या केवल मोदी चेहरा देख रहे हैं? नहीं, हम पे मुद्दे, उन पे मुद्दे ही नहीं है, विपक्ष के कुछ है नहीं, उनका मुद्दा केवल एक था, मोदी आ रहे हैं, जनता मोदी जिताना चाह रही है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है कि आप भी पूरे लगातार प्रचार में लगी हुई है? हमारे 10 की 10 सीटें हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें, अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया। तो जीत हासिल होगी अब की बार? हाँ, जीत हासिल। नैना चौटाला को भी आपने आशीर्वाद दिया है? आशीर्वाद बच्चे हैं हमारे, तो आशीर्वाद बच्चों को देते ही हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि रणजीत सिंह चौटाला जो कि हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की है, और आपने देखा कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी कह सकते हैं कि परिवार है लेकिन राजनीतिक रूप से बेशक अलग अलग चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन नैना चौटाला रणजीत सिंह चौटाला के पैर छू करके आशीर्वाद लेती हुई भी नजर आई है। वहीं रणजीत सिंह चौटाला ने दावा किया है कि 10 की 10 सीटें एक बार फिर बीजेपी हरियाणा में जीतेगी। कैमरामैन अजय के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18, सिरसा।